तीर्थराज प्रयागराज देश और दुनिया भर में धर्म और अध्यात्म की नगरी के तौर पर जाना जाता है। प्रयागराज में ही देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर तीन नदियों के मिलन का संगम भी है। संगम में स्नान दान का खास महत्व है। संगम से कुछ ही दूरी पर यमुना नदी के किनारे प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव अपने विविध रूपों में विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन जलाभिषेक से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। साल भर यहाँ पर शिव के दर्शन पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। सावन मास और महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, जिनमें शहर के साथ दूर दराज से भी भारी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जहाँ पर शिव विराजमान होते हैं, वहाँ पर माता पार्वती का भी वास होता है। ऐसे में यहाँ पर दोनों के दर्शन का लाभ श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। मनकामेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी ब्रह्मचारी श्रीधरानंद बताते हैं कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कामेश्वर पीठ का वर्णन है। यह वही कामेश्वर धाम है। काम को भस्म करके भगवान शिव स्वयं यहाँ पर विराजमान हुए हैं। श्रीधरानंद बताते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्रीराम वनवास जाते समय भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ प्रयाग में रुके थे और अक्षेवट के नीचे विश्राम किया था। आगे जाने के पहले प्रभु श्रीराम ने भी यहाँ शिव का पूजन और जलाभिषेक कर अपने मार्ग में आने वाली तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करने की कामना की थी। आप जिस स्थान पर हैं, ये श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है और ये प्राचीन सिद्ध स्थान है। भगवान राम भी जब संगम क्षेत्र में आए थे तो यहाँ जलाभिषेक किए थे, तभी से भगवान मनोकामेश्वर का जो भी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा से जलाभिषेक करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ तक शिवरात्रि का सवाल है तो भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह से यह प्रसंग जुड़ा हुआ है और जो भी शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करते हैं और रात्रि में भी चार पहर के जो अभिषेक होते हैं, जो भी मनोकामना होती है जिस भी श्रद्धालु की, वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इस बार शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग है कि शनि प्रदोष भी साथ में है, तो दोनों पर्व एक साथ मनाए जाएंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्ची श्रद्धा से आएगा, जलाभिषेक करेगा, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। मंदिर का रंग रोगन किया जा रहा है जी। मंदिर में जो है तैयारियाँ चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि पेंट चल रहा है, लाइटिंग लगाई जा रही हैं, फूलों से सजाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरियर और कैमरे, ये सब तैयारी की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ लाखों श्रद्धालु उपस्थित होते हैं शिवरात्रि के दिन और रात भर और दिन भर यहाँ दर्शन चलता है लगातार।